हेलो फ्रेंड्स, यो यो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप ही के चैनल शादाब ऑफिशियल में। मेरे भाइयों, आज जो है बहुत अहम खबर मैं लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। ये खबर सऊदी अरब की, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं दोस्तों और यहाँ के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए दोस्तों। दोस्तों, आज की बहुत अहम खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, और दोस्तों अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है। सऊदी अथॉरिटी के मुताबिक रियाद सऊदी अरब में 24 घंटे कर्फ्यू का ऐलान हो गया दोस्तों। ये गवर्नमेंट की तरफ से खबर निकल के आ रही है दोस्तों। ये कर्फ्यू लगा रहेगा दोस्तों तबूक में, दम्माम में, दहरान में, औफ में, और रियाद में, और जद्दे में, और तैस में, किताफ में, अल खोबर में। तो दोस्तों, अगर आप इन सब जगहों पे रहते हैं दोस्तों तो आप बाहर ना निकलिएगा कल से, मतलब आज से ये नियम लागू हो गया दोस्तों। तो आप लोग बाहर मत निकलिएगा, कर्फ्यू 24 घंटे लागू हो गया दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने स्क्रीन शॉट भी दिखाया दोस्तों, आप इसको भी देख लीजिए। अगर आप इन इन कंट्रियों में, मतलब इन इन सिटी में अगर आप रहते हैं तो दोस्तों कर्फ्यू 24 आवर्स है दोस्तों। बिना अहम इमरजेंसी मकसद से आप लोग बाहर ना निकले दोस्तों। मंत्रालय, सऊदी अरब के मंत्रालय ने इससे पहले पिछले गुरुवार से प्रभावित मक्का और मदीना 24 घंटे कर्फ्यू का लागू करने का ऐलान किया था दोस्तों। इन सब शहरों में भी निवासियों को खाने पीने के सामान के लिए आप 6 बजे से लेकर 3 बजे तक की आप बाहर निकल सकते हैं, और अकेले निकलिएगा दोस्तों, और साथ में ना निकलिएगा। चिकित्सालय खुला रहेगा यानी कि फार्मेसी खुला रहेगा, खाने पीने के सामान आपको मिलेंगे, बकाले खुले रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों, और यहाँ की गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, कोई भी शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और कोई यहाँ से निकल नहीं सकता कोई भी शहर से। तो दोस्तों, आप लोग जहाँ हैं वहीं रहें और घर पर रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि पूरी तरीके से शहर को लॉक कर दिया गया है दोस्तों। आप कोई यहाँ एंट्री रियाद में नहीं कर सकता, ना रियाद से कोई बाहर निकल सकता है, ना आप जद्दे में एंट्री कर सकते हैं, ना जद्दे से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, खाने पीने की चीज़ें खुली रहेंगी और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों, बस इतनी ही चीज़ें जो इमरजेंसी वाली हैं, हॉस्पिटल खुले रहेंगे, बैंकिंग की सुविधा खुली रहेगी, एटीएम वेटीएम खुला रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ अहम अपडेट जो आप तक बताना जरूरी थी, पहुंचाना जरूरी थी दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी लाइक कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ अच्छा आपके लिए लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, यही हम दुआ करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरी वन, थैंक्स।